सलाखों के पीछे वृंदावन का कथावाचक। आपसे मेरी प्रीति बनी रहे, मैं आपसे जुड़ा रहूं। वृंदावन की धरती से भागवत का संदेश देने वाले कथावाचक को आखिरकार वृंदावन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद बल्लभ शास्त्री गोपीनाथ बाजार वृंदावन का रहने वाला है। दरअसल इस सबके पीछे माजरा क्या है वो हम आपको समझाते हैं। पुलिस के अनुसार पंजाब के आनंदपुर साहब की रहने वाली युवती को शादी करने तथा कथावाचक बनाने का झांसा कई साल तक गोविंद बल्लभ शास्त्री दे रहा था। इसी बीच गोविंद बल्लभ शास्त्री ने कई साल तक युवती से संबंध बनाए रखे, लेकिन इस बीच युवती ने वृंदावन आकर देखा तो वो दंग रह गई। युवती को पता चला कि भागवत की आड़ में उसे झूठ बोला गया, क्योंकि गोविंद बल्लभ शास्त्री पहले से शादीशुदा था। इन सबके बीच लंबे समय से युवती मथुरा में न्याय की गुहार लगा रही थी। अब पुलिस ने मामले में आरोपी मानते हुए गोविंद बल्लभ शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा पुलिस के मुताबिक युवती ने आरोप लगाया है कि वृंदावन के गोपीनाथ बाजार नंदीवाड़ी निवासी कथावाचक गोविंद बल्लभ शास्त्री से 9 अगस्त 2011 को वो यहां मिली थी। तब कथावाचक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उस समय पीड़िता 17 साल की नाबालिग थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप में कहा कि जब उसने शास्त्री का विरोध किया तो कथावाचक बनाने तथा उससे शादी करने का वादा किया। आरोप में कहा गया है कि इसके बाद 8 दिसंबर 2016 को एक बार फिर कथावाचक बनाने का झांसा देकर वृंदावन बुला लिया गया और अपने घर में रखने के बजाय अलग अलग मकान में ठहराया गया। वही युवती इस पूरे मामले से वाकिफ हो गई। गोविंद बल्लभ शास्त्री का धोखा उसे पूरी तरह समझ आ गया। युवती ने मथुरा पुलिस के सामने अपना पूरा मामला रखा। बहरहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कथावाचक को सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।